सो हेलो गाइस, नमस्ते एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एयर पर आसर फैमिली। तो आज है 21 नवंबर 2022 मंडे। तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेड फेयर, जो कि दिल्ली में लगता है हर साल नवंबर मंथ में। तो ये हर साल लगता है 14 नवंबर से 27 नवंबर। बाकी की जानकारी मैं वहां जाके आपको देता हूँ। तो चलिए मेरे साथ ट्रेड फेयर की ओर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 में, और आपको पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना। चैनल पे नया आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करना। तो बात करते हैं हम ट्रेड फेयर की। तो ट्रेड फेयर हर साल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में लगता है 14 नवंबर से 27 नवंबर, यानी कि 14 नवंबर से 27 नवंबर, जिसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक। और अगर इसकी टिकट की बात करें तो 80 रुपये की इसकी टिकट है, 80 रुपीज़ की टिकट है, जो कि आपको पेटीएम ऐप के थ्रू भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी मेट्रो स्टेशन से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं ट्रेड फेयर में और अभी बहुत ज़्यादा रश है। मंडे है फिर भी बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि साल में एक बार ही लगता है तो बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से। ये फालतू में हंसे जा रहा है। तो अभी हम पहले मैंने अपने घर से मेट्रो ली थी और हम उतरे थे सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जो कि प्रगति मैदान का ही मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट के नाम से, ब्लू लाइन पे। तो अब उसके बाद हम आए थे ट्रेड फेयर की ओर गेट नंबर 10 से, और अभी हम अंदर जा रहे हैं तो आपको अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ट्रेड फेयर में और हमारे पीछे आप देख सकते हो एंट्री हो चुकी है। तो ये चेकिंग गेट था, इससे पहले टिकट चेक हुई थी हमारी, उसके बाद अभी यहाँ पे चेकिंग हुई है हमारी। तो अभी हम अंदर चलेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे ट्रेड फेयर। और ये मेरे साथ है कुणाल, आपने इसको देखा ही होगा। हाय। तो दोस्तों, अभी हमारी वहाँ से चेकिंग हुई थी और ये है सीनियर सिटीजन वगैरह के लिए लॉन्च बना रखा है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो लिखा हुआ है फ्री ई रिक्शा सर्विस। तो अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं, ये देखो आप रिक्शे चले हुए हैं, जो यहाँ से रिक्शे अंदर तक जाते हैं जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए। तो अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये हॉल नंबर है कुछ। बीच में से हटके चलिए। तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, राइस ऑफ़ खा लो, मैंगो जूस पी लो। तो अभी हम आ चुके हैं। ये क्या? और हाँ, तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हॉल नंबर 11 में, इलेक्ट्रॉनिक होम एम्प्लायंसेस और फुटवेयर है यहाँ पे। तो दोस्तों, इधर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, यहाँ पे आप देख सकते हो गीजर आरओ वगैरह हैं और होम एम्प्लायंसेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। सामने इलेक्ट्रॉनिक का सामान है। तो दोस्तों, ये कुछ स्मार्ट होम सॉल्यूशंस हैं, अपने घर को स्मार्ट कैसे बना सकते हैं उसके लिए कुछ सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये विंडो वगैरह लगी हुई हैं। ये नेट लग सकती है मॉस्किटो वगैरह अंदर ना आए उसके लिए। ये आप डोर वगैरह पे लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये है इंस्टेंट वाटर हीटर, जो कि सिर्फ 10 सेकंड में आपका पानी गर्म कर देता है। ये घर में जा आपके आके खुद सेटअप करके जाते हैं, और अभी अगर आप यहाँ से कराओगे तो आप स्टीम भी ले सकते हो। देखो, इसमें पाइप दे रखा है, स्टीम भी ले सकते हो आप गर्म पानी से। तो ये स्टॉल है इनका हाई टेक करके। अभी अगर आप यहाँ से कराओगे तो 200 रुपये में आप प्री बुकिंग करा सकते हो, वैसे 3700 रुपये का आपको ये पड़ेगा, बाकी की पेमेंट आप घर पर कर सकते हो। और ये स्टीम वगैरह के लिए, आप कॉफ़ी वगैरह भी बना सकते हो उससे, स्टीम ले सकते हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल रहे हैं वीडियो वगैरह शूट के लिए, और रिंग लाइट वगैरह आप देख सकते हो, सब कुछ माइक रिंग लाइट सब कुछ मिल रहा है।
तो दोस्तों इधर होम अप्लायंसेस वगैरह सब कुछ मिल रहा है, फैन वगैरह सब कुछ, और इधर कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, कुकिंग का जो भी बर्तन वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो सब मिल रहा है यहाँ पे, बारबेक्यू वगैरह। और इधर थोड़े पर्स वगैरह भी हैं, लेडीज़ का सामान, सूट वगैरह और चादर पिल्लो वगैरह भी हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पिल्लो कवर, पिल्लो और कंबल वगैरह सब कुछ मिल रहा है, बेडशीट वगैरह। यहाँ पे भी बर्तन और ग्रोसरी आइटम मिल रही है, मतलब जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग वगैरह में और सर्विंग वगैरह में जो भी यूज़ करते हैं, मॉप वगैरह। देख सकते हो कुछ सामान मिल रहा है, ट्रिमर है आगे, और ये मॉस्किटो वगैरह के लिए है, और बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ा है ट्रेड फेयर। अभी तो हम एक ही बिल्डिंग पे आए हैं और भी बहुत सारी हैं, तो आपको कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो पाएगा उतना हम घुमा देंगे आपको पूरा। तो दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल टॉय मिल रहे हैं, जो बच्चे खुद ब्लॉग जोड़ जोड़ के बना सकते हैं, आप देख सकते हो बहुत कुछ बना रखा है। यहाँ पे दो बॉक्स मिल रहे हैं, एक बड़ा बॉक्स 1000 रुपीज़ का और छोटा बॉक्स 500 रुपये का, बस उसमें क्यूब का फ़र्क है, उसमें कम है उसमें ज़्यादा है, बड़े वाले में ज़्यादा क्यूब है और छोटे में कम है, और ये सिर्फ एक ही सेल से चलते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हो पिंक कलर का, इसके नीचे एक सेल डला हुआ है, उसी से ये पूरा वर्क कर रहा है। ये एक यहाँ पे प्लेन बना रखा है, और एक एक कार ट्रक सा बना रखा है, ये भी चलता है, एक ही सेल से चलते हैं ये सारे, मतलब कि जोड़ने होते हैं कुछ के, मैं कुछ भी बना सकती हूं, एक आई छोटा वाला बॉक्स बना रखा है, छोटा वाला बॉक्स 500 का, बड़ा वाला 1000 का। तो यहाँ पे मिल रही है बोलती रामायण, मतलब एक बॉक्स है उसमें रामायण अपने आप बजती है, तो इसमें आप देख सकते हैं एक डिवाइस मिल रहा है स्पीकर जैसा, इसमें रामायण बोलती भी आपको मिल जाएगी। इसमें ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, महाभारत, शिव पुराण, विष्णु पुराण सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसमें से आप रामायण सुन सकते हो आराम से। तो दोस्तों ये है OMG ओ माय गिफ्ट, यहाँ पे सारे गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, देख सकते हो आप लाइटें वगैरह वाले गिफ्ट हैं, दिवाली वगैरह के लिए अच्छा है, या फिर फेस्टिवल वगैरह पे अपना घर सजाने के लिए। ये आप देख सकते हो सिर्फ एक स्विच में लगे हुए हैं, ये सब कुछ, सब में लाइट जल रही है, मतलब डेकोरेटिव आइटम है, आप गिफ्ट कर सकते हो किसी को बर्थडे, एनिवर्सरी या रिटायरमेंट वगैरह में, अच्छा है गिफ्ट है, और दिवाली में आप अपना घर सजा सकते हो इससे। उधर भी आप इस सामने देख सकते हो लालटेन वगैरह, बैम्बू फाइबर क्रॉकरी, यहाँ पे सारी मेरे ख्याल से बैम्बू की बनी हुई है क्रॉकरी सारी, आप देख सकते हो सारी क्रॉकरी, ये सब बैम्बू वगैरह से ही बना हुआ है। और इधर जैकेट और बेल्ट वगैरह मिल रही हैं, बैग भी हैं, आप देख सकते हो बैग, जैकेट, बेल्ट सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 250 का इंडियन कॉइन, और ये है 150 का इंडियन कॉइन, तो यहाँ पे सारे कॉइन वगैरह हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारे कॉइन प्रिंटिंग वगैरह है, ये 100 का कॉइन है, ये 250 का कॉइन, नीचे और भी बहुत सारे कॉइन है, ये देखो 350 का कॉइन है, और ये 400, 125 रिक्वायरमेंट है, यहाँ आओ सब कुछ A to Z मिलता है।
डिपार्टमेंट है, यहाँ आओ। तो यहाँ पे सारे फूड आइटम के स्टॉल्स लगे हुए, जैसे आप देख सकते हो चिंग्स का। तो यहाँ पे सैम्पलिंग वगैरह भी हो रही है, जो इनकी नई आइटम्स आई हैं उनकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। और इधर टी वगैरह का लगा हुआ है यहाँ पे, फ्लावर टी। ये कुछ फ्लावर की टीज हैं। और इधर बैक साइड में यहाँ पे मार्वल टी का स्टॉल भी लगा हुआ है। तो दोस्तों ये लगा है चकदे का, स्पाइसेस वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ पे भी सैम्पलिंग वगैरह हो रही है जलजीरे मसाले की। प्राग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का स्टॉल, यहाँ पर भी बहुत सारी आइटम आपको मिल जाएंगी, देसी घी वगैरह। तो दोस्तों ये है आनंदा का स्टॉल, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी आइटम देखने को मिल जाएंगी। जो भी आनंदा की सारी आइटम है वो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे भी स्पाइसेस वगैरह के स्टॉल हैं सारे, यहाँ स्पाइसेस वगैरह हैं सारी मसाले। पे गज्जक वगैरह मिल रही हैं, तो सामने सारा लगा हुआ। तो यहाँ पे अचार पापड़ वगैरह मिल रहे हैं, मेथी के अलग अलग तरह के पापड़ हैं और खाकड़ा वगैरह सब कुछ है, अचार भी है मिर्च वगैरह के, पीछे आप देख सकते हो। लगा हुआ है मकेन्स का स्टॉल, यहाँ पे मकेन्स आ रहा है। तो अभी हमने आपको पीछे बहुत कुछ दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक का था, वहाँ पे स्पाइसेस थे, मकेन्स वगैरह, मतलब और भी बहुत सारी कंपनियों के स्टॉल दिखाए। तो अभी हम जा रहे हैं हॉल नंबर 7 में, आपको दिखाते हैं आगे। चलो गाइस मसे बनते रहो। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हॉल नंबर 7 में, जहाँ पे कुछ स्टेट्स का है, शायद बिहार झारखंड महाराष्ट्र का। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ जाने का भी है क्या? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, प्लीज रिप्लाई। तो दोस्तों ये कुछ ओडिशा का हैंडीक्राफ्ट है, बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, आप देख सकते हो। एक ही कैमल है। तो दोस्तों ये सब कुछ जो आपको पीछे भी दिखाया है, सब जो उड़ीसा का मैंने आपको दिखाया था, ये सब कोकोनट का जो बाहर की लेयर होती है उससे बना हुआ है। यहाँ पे आप मैट वगैरह देख सकते हो, कारपेट वगैरह। Thank you.
तो यहाँ पे कुछ कारपेट वगैरह है। ये है मिट्टल हैंडीक्राफ्ट गाजियाबाद यूपी, देख सकते हो आप कैसे कैसे डिजाइन बना रखे हैं, अच्छे अच्छे। दोस्तों ये है कॉयर अम्ब्रेला, इधर आप देख सकते हो सॉयल इरोजन कंट्रोल यूजिंग कॉयर जियो टेक्सटाइल कोकोपीट फॉर एग्री हॉर्टी पर्पस। ये कोकोपीट के ब्लॉक है, रोड कंस्ट्रक्शन यूजिंग कोयर जियो टेक्सटाइल। नीचे आप देख सकते हो कोयर यूज करी हुई है और रोड बनाए हुए, मोबाइल फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन, और एक यहाँ पे छोटी मशीन भी आप देख सकते हो, मिनी फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन। तो अभी यूज करके दिखाएंगे आपको। तो इसमें से अभी फाइबर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ये देख सकते हो नीचे। मैंने वहाँ से आगे से कोकोनट डाला था और इधर से सारा एक्सट्रैक्ट होके बाहर निकल गया, और इससे जो आपको मैंने अभी सारी चीज़ें दिखाई वो सब ऐसे इसी का यूज़ करके, जो आप ये देख सकते हो इसका यूज़ करके वो सब चीज़ें बनती हैं, जैसे कि मैट हो गए या फिर टॉयज वगैरह कुछ बना दिया, और इसी से रोप भी बना सकते हैं जैसे आप ये देख सकते हो। इसका बहुत जगह यूज़ होता है जो ये निकला है। ऑटोमेटिक वायर यार्न स्पिनिंग मशीन कुछ ऐसी दिखती है, इससे शायद रोप बनाते हैं, ये देख सकते हो आप, और ऊपर से शायद कोकोनट डालते हैं। यहाँ पे बटन वगैरह लगे हुए हैं स्टार्ट स्टॉप के। ये मेटेलिक हैंडलूम फॉर कॉयर जियो टेक्सटाइल, तो आप ये देख सकते हो जो रोप बनी थी पीछे आपको जो मशीन दिखाई, उस रोप से ये पूरा मैट बनता जाएगा। आपको मैं पीछे से दिखा भी देता हूँ, पीछे एक पड़ा हुआ है, उससे फाइनल आप देख सकते हो वो जो पीछे मैट सा पड़ा है ऐसा बन जाएगा। अभी यहाँ से सारी रोप जा रही है और आगे जाके सारी जुड़ जाएंगी और मैट बन जाएगा पूरा। ये भी आप पीछे देख सकते हो, ये भी उसी चीज से बना हुआ है, देख सकते हो कैसे सीनरी बना रखी है। ये सारा वुड का इस्तेमाल हो रखा है इसमें। यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो एलिफेंट वगैरह जो है मतलब अलग से बना के फिर उसके ऊपर पेस्ट कर रखा है, 3D टाइप का बना रखा है। ये सारा वुड का काम है। और ये कर्नाटका का है, ये जम्मू कश्मीर का कुछ है सामान, शॉल वगैरह जो होती हैं सब आइटम। तो ये देख सकते हैं आप हरियाणा का, ये सारा क्रिस्टल टाइप का बना रखा। वुड के टॉयज वगैरह बना रखे हैं, ये देखो अब की चेन है, ये
ये फ्लूट है, बांसुरी जिसे कहते हैं, प्लास्टिक का भी है कुछ टॉयज और बाकी सारे वुड के हैं। तो यहाँ पे सारी क्रॉकरी है, कप प्लेट वगैरह, राइस कप ले सकते हो, चाय पी सकते हो, चाय पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो और एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश का स्टॉल, पीछे आप देख सकते हो हिमाचली कैप वगैरह मिल रही है यहाँ पे, अलग अलग डिजाइन में और सारा यहाँ पे वुलन मिल रहा है। ये आप देख सकते हो जैकेट भी है। विजिट करोगे हॉल से तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, फूड कोर्ट वगैरह मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे हॉल हैं तो जितना कवर कर पाएंगे पूरी कोशिश करेंगे कवर करने की। तो दोस्तों आज हमने आपको कुछ ट्रेड फेयर का एरिया दिखाया, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी, तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है इसलिए आगे के कुछ हॉल हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप कमेंट में देख सकते हो, कमेंट में पिन होगा उसका लिंक, तो आप उससे जाके उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, जाते जाते लाइक बटन को कर दो ब्लैक, सब्सक्राइब बटन को कर दो ग्रे। टिल देन आई एम अंश पराशर शाइनिंग आउट फ्रॉम एयर पराशर फैमिली, हैव अ गुड डे, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।